न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना अंतर्गत रामदास भट्टा में एक बंद पड़े मकान से चोरों ने करीब 3 लाख रुपए नगद और करीब 6 से 6.5 लाख रुपए के जेवरात व कीमती सामानों की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं घर के लोगों ने घर के देखरेख की जिम्मेदारी केयरटेकर को देकर बाहर गए हुए थे। सोमवार की सुबह केयरटेकर ने घर में चोरी होने की जानकारी दी, जिसके बाद सभी वापस शहर लौटे और घर के हालात देखकर उनके होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। घर में चोरी हुआ, पूरा घर का गेट तोड़ के, पूरा अलमारी का लॉकर, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से लॉकर का हालत किया गया है। पूरा सेट डायमंड्स नहीं बोलेंगे उसको, आर्टिफिशियल जो डायमंड्स होते हैं वो उसका सेट था। घड़ी था, तीन घड़ी था, दो रोलेक्स था, एक राडो का घड़ी था, 1.5 लाख रुपये का घड़ी था, 3 लाख रुपया कैश था लॉकर में। लॉकर पूरा खाली है, जैसे देख सकते हैं। कितने का सामान को ले गया है? 6.5 लाख के आसपास का सामान पूरा गया। तीन कैसे आप लोगों को पता चला? हम लोग जिन्हें चाबी देके गए थे पेड़ पौधे में पानी डालने के लिए, पेड़ भी पूरा सूख गया। वो सुबह आए तो कॉल करके बताया, वीडियो कॉलिंग में दिखाया, पूरा घर का गेट का लॉक टूटा और गेट पर दूसरा ताला लगा हुआ, वही सेम पीतल का ताला दूसरा लगा हुआ। इसका मतलब कोई यही आसपास का आदमी जो ये सब किया है। कितने दिन के बाद इलाहाबाद से आप लोग आए? हम लोग का तो आने का था ऐसे 15 तारीख को आए, जैसी खबर मिला उसका अगला दिन पहुंच गए। आज रात में गाड़ी बैठे, कार बाय रोड आए हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद वैसी। जगह का नाम क्या? रामदास भट्टा।